जब भी कुछ होता था खिड़की से हवा आती लाला लाला, रूम में आता लाला लाला, टॉवल खुल जाता था लाला लाला, कपड़े छील करता था लाला लाला। अगर बताया जाए तो टॉक्सिक तो नहीं था भाई, 50 शेड्स है लाला लाला के, सिर्फ 2 या 5 नहीं है। मतलब क्या क्या करते थे सीरियसली, मतलब उस टाइम पे उस सीन के लिए स्पेशल सेट पे केक आया था, जो दिखता है वही बिकता है भाई। भाई आपकी जनरेशन का शो अभी भी बिकता है। मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गोपी मेरे कमरे से निकल जाओ, गोपी मिले ग्रीन टी लेकर आओ। नमस्ते सत श्रीकाल आदाब अर्ज़, मैं हूँ आपका फेवरेट यानी कि मोहम्मद नाज़िम अहम जी, और आप मुझे देख रहे हैं आई डी बा स्पीक इजी पे। यार ये टॉक्सिक सुन सुन के ना परेशान हो गया हूँ सीरियसली। अगर बताया जाए तो टॉक्सिक तो नहीं था, बट हाँ उससे कुछ शेड थे। जैसे मुझे कैरेक्टर मिला था एक अहम जी का, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, सबको पता है कि हम जब शो करते हैं तो हमें होता है कि यार जब तक उस शो का हीरो जो होता है ना कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, या फिर बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, या फिर बिल्कुल ही चुप रहेगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मसाला होना बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक मुझे लगा वो मसाला था, वो टॉक्सिक नहीं था। ये शुरुआत हुई 2010 में। इस शो का जो नाम था, जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, इस शो का नाम था शायद सासू माँ था या कुछ और नाम था, साथिया नहीं था। मुझे अभी भी याद है जब मैंने शो का ऑडिशन दिया था, तो आई थिंक ऑडिशन देने के बाद मेरा सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन सब कुछ फाइनल होने के बाद पता चला कि शो में मैं हुई नहीं यार, शो किसी और के साथ बनना शुरू हो गया। जब बनना शुरू हुआ तो फिर चैनल को पसंद नहीं आया, फिर चैनल ने दोबारा रीशूट किया और दोबारा ऑडिशन हुए। आई थिंक मैंने दोबारा ऑडिशन दिया। इस कैरेक्टर में जो लड़का था ना, उससे पहले जो मेरा रोल कर रहा था उसका रियल नाम था अहम, तो मैं सच बताऊँ तो उसको हटा के मोहम्मद नाज़िम को लिया गया, तो मेरा नाम दोस्त में अहम जी। फिर अभी के जो आजकल की जनरेशन के बच्चे मिलते हैं ना हमें यार, अभी मेरे जिम में ही आते कुछ लोग, अभी 17, 18 साल, 19 साल के हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं भाई आपकी जनरेशन का शो अभी भी बिकता है, भाई इंस्टा पर आपके शो चल रहे हैं, भाई आपके मीम्स बन रहे हैं। बट अगर देखा है तो मतलब बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी लोग हमें इस शो के नाम से जानते हैं, फैंस बने हैं, ऑडियंस बनी है, और आज भी हम उनके दिलों पे राज करते हैं, तो उन सब के तहे दिल से शुक्रिया। ये दो सीन थे जो मेरी साथिया में सबसे ज़्यादा आइकॉनिक सीन थे। एक तो सीन था ये लैपटॉप धोने वाला, जस्ट सेकेंड जो कुकर फटा था ना, जो जैसे खाना किचन में बनता है तो कुकर का जो फटता है ना वो जाके गिरता है हॉल में, तो हम समझ नहीं पाए थे कि कैसे हुआ यार। और ये लैपटॉप वाला तो हम तब सोचते थे जब हम बैठते थे ना, मैं और मेरी टीम, जैसे कि मेरे जो को एक्टर थे सारे बैठते थे कि यार हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे होगा कि आज की जनरेशन में भी लड़कियाँ लैपटॉप धो देती हैं। हमें उस टाइम पर ये लगता था कि यार ये हमारा शो को ना नीचे गिरा देंगे, बट ट्रस्ट मी लोगों की जो TRP है वो 0.4 बढ़ेगी, 5 बढ़ेगी, 7 बढ़ेगी, हमारी सीधी 0.4 नहीं, सीधी 2.6 या 2.7 थी पता नहीं आई थिंक, और जो 4.8 या समथिंग चली गई थी, मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड था उस टाइम पे, इतना चला था ये। मतलब उस टाइम पे उस सीन के लिए स्पेशल सेट पे केक आया था, जो दिखता है वही बिकता है भाई। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं, मेरे दोस्त भी बोलते थे, वैसे मैं बहुत बखतूनी हूँ, बहुत बातें करता हूँ, तो मुझे बोलते थे कि भाई तू इतना चुप कैसे रहता है, जब तू आता सिर्फ यही बोलता है गोपी मेरे लिए ग्रीन टी लेके आओ, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मॉम मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ये 4 डायलॉग मेरे रिपीट होते थे, और ये 1 साल तक मैं ऐसे ही बोलता गया। और सीरियसली मैं इतना पक गया था इस चीज़ से कि मैंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर मैं ये चीज़ें थक चुका हूँ, ये नहीं बोल सकता मैं, तो मुझे कहते भाई रुक जा, आएगा तेरा टाइम, सब्र रख, थोड़ी ठंड रख, आएगा तेरा टाइम। बट खैर जैसे जैसे टाइम होता गया, चैलेंजिंग आते रहे, वैसे रहते शेड्स आते रहे शो के, मेरे कैरेक्टर के, वो सारी चीज़ें होती गई मेरे साथ। यार जैसे ही मुझे ये शो मिला था, तो सबसे पहले जब मुझे बताया गया था ये मम्माज बॉय है, जो मैं रियल में भी हूँ, और अपनी बहनों का ख्याल रखता है, भाई का ख्याल रखता है। जब मैं अपनी मॉम से पूछता था कि मैम, जब बात करते हम लोग बैठते भी थे तो उनसे बात होती थी हमारी, तो पूछता था उनसे कि यार अहम जो किरदार है कैसे, तो हमेशा वो बोलते हैं कि तू उसको डबल शेड खेल, जैसे कि अहम है जो मेरा अहम है, और अहम एक अहंकार भी होता है, तो मैं उसको हमेशा वैसे ही लेता था कि मैं अपनी माँ का अहंकार भी हूँ और अहम भी हूँ।
और ये चीज़ मैंने देखी भी, जो लोगों ने पसंद भी किया, लोगों को अच्छा भी लगा। ये जो एक साल में चुप रहा हूँ ना, ये पसंद नहीं था मुझे, सीरियसली भाई। 50 शेड्स है लाला ला के, सिर्फ दो या पांच नहीं है। जब भी कुछ होता था खिड़की से हवा आती, लाला लाला, रूम में आता लाला लाला, टावल खुल जाता था लाला लाला, कपड़े छील के आता था लाला लाला, वहाँ चीज़ में कुछ भी होता था ऐसे। गोपी का हाथ भी ऐसे, मतलब इवन ऐसे टच भी होता था ऐसे लाला लाला। मुझे ये होता था कि यार कोई मर भी गया ना किसी दिन तो उसमें चलेगा लाला लाला। मतलब क्या क्या करते थे सीरियसली। और तो हाथ लगना भी ऐसे होता था जैसे मैंने कोहिनूर को छू लिया है। टोटली तो बहुत सारे शेड थे, बट ठीक है, इन जनरली बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। एवर नेवर, कभी भी नहीं यार। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी और आपकी फैमिली हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जो कंट्रोल करके हमारी फैमिली को चलता है। तो कोकिला जी वैसी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, रूपल जी, और उनको पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। और जो हमारी फैमिली में भी होती है, जैसे मेरे फादर हैं, उनका भी कंट्रोल है फैमिली में, कई भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बीवी को, जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हो पता होना चाहिए आपको। तो हर फैमिली में एक इंसान ऐसा होता ही है जो आपको कंट्रोल करके रखता है, जिससे आप डरते भी हो, रिस्पेक्ट भी करते हो, और आपको पता है कि उन्होंने आपको क्या एथिक्स सिखाए हैं, क्या तहजीब दी है, और क्या क्या सिखाया उन्होंने, क्या क्या आपको आगे काम आए। मेरे फैंस को बस मैं यही कहूँगा, जैसे आप मुझे प्यार देते हैं ऐसे ही प्यार देते रहें। बाकी मेरी आने वाली फिल्म है मुंडा रॉकस्टार, जो आपको 12 जनवरी को देखने को मिलेगी थिएटर में। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। आईडी वापस।